19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके साथ कांग्रेस का नया अध्याय तो शुरू होगा ही, राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल बढ़ने लगेगी। पिछले महीने हुए इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद कांग्रेस में बड़ी उठापटक की संभावनाएं जताई जा रही थी, मगर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को देखते हुए इसे होल्ड किया गया। अब अध्यक्ष चुनाव के बाद राजस्थान कांग्रेस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति कितनी बदल सकती है, इस पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बदलने के बाद इसका सीधा असर अशोक गहलोत पर देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी अध्यक्ष के लिए मजबूत है। अगर ऐसा ही होता है तो यह अशोक गहलोत के लिए प्लस पॉइंट होगा। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले गहलोत प्रोटोकॉल तोड़कर खड़गे के समर्थन में वोट करने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा गहलोत और खड़गे के संबंध काफी पुराने हैं, दोनों एक साथ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं 25 सितंबर को हुए प्रेशर पॉलिटिक्स की आलाकमान को रिपोर्ट देने के दौरान भी खड़गे का गहलोत का क्लीन चिट दिलवाने में बड़ा रोल सामने आया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो गहलोत के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शशि थरूर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो प्लस माइनस जैसी स्थितियां नहीं होगी, वो कांग्रेस संगठन और उसकी परिपाटी में अलग तरह का बदलाव ला सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव का असर पायलट पर भी पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खड़गे के अध्यक्ष बनने की सूरत में पायलट को कोई सीधा फायदा तो होता नहीं दिख रहा, क्योंकि नए अध्यक्ष की प्रायोरिटी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ताकत देने के लिए व 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रिपीट करने की होगी। ऐसे में पायलट को अपने साथ रखने के पूरे प्रयास होंगे। वहीं पूर्वी राजस्थान की 39 में से 28 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। यहाँ का गुर्जर मीणा बेल्ट कांग्रेस के पास होने का बड़ा कारण सचिन पायलट है। इस बेल्ट में अच्छी सीट लाए बिना कांग्रेस का सरकार रिपीट करना मुश्किल है। ऐसे में खड़गे अध्यक्ष होने के नाते पायलट को सादे रखेंगे। इसके लिए वो पायलट को पीसीसी चीफ बनाकर 2023 के लिए फ्री हैंड दे सकते हैं। थरूर जिस माइंडसेट और नई तरह की वर्किंग को तवज्जो देते हैं, ऐसे में इसका फायदा पायलट को मिल सकता है। हालांकि राजस्थान में सीटों की स्थिति और विधायकों का समर्थन हमेशा बड़ा फैक्टर रहेगा। कांग्रेस के चुनाव के बाद जो बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है वो संगठन में फेरबदल है। राजनीति के तमाम जानकार और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद राजस्थान में भी बड़ा बदलाव होगा। जाट चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने की मजबूरी नहीं होती है तो गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेशाध्यक्ष बने रहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।